वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्क्वेयर रूट हमने फाइंड करना है इस नंबर का कौन से मेथड से, डिवन मेथड से। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। स्क्वेयर रूट हमारे पास फाइंड करने के टू मेथड्स होते हैं, एक डिवन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम स्क्वेयर रूट फाइंड करें इस नंबर का डिवन मेथड से। तो फिर हमने क्या करना होता है जब हम स्क्वेयर रूट फाइंड करते हैं डिवन मेथड से, सबसे पहले हमने राइट साइड से ग्रुपिंग कर लेनी है। टू डिजिट्स की ग्रुपिंग हो गई, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने ग्रुपिंग कर ली टू टू डिजिट्स की। हमने क्या कर लेना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ग्रुपिंग करते क्यों हैं, वो एक क्वेश्चन होता है। तो वो इसलिए हम करते हैं कि जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंड भी है और डिवाइज़र भी है। एक को हम डिवाइडेंड को अंदर, डिवाइज़र को बाहर सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट ये नंबर है, इसको किससे डिवाइड कराना वो है नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेनी। हमें पता चल जाए स्टार्ट में हमने वन डिजिट को सॉल्व करना है, टू डिजिट्स को। तो हमने ग्रुपिंग कर ली, हमारे पास यहाँ पर 20 की ग्रुपिंग है। इसका क्या मतलब, हमने ओनली टू को सॉल्व नहीं करना स्टार्ट में, 20 को सॉल्व करना है, क्योंकि ग्रुपिंग हुई हुई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक और देख लेंगे, समझ आ जाएगी कि हमारे पास यहाँ पर 5 डिजिट नंबर है। ये जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं 6 डिजिट नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट नंबर है। तो इसमें हमारे पास ग्रुपिंग हुई ऐसे, ये 2 डिजिट्स की, ये 2 डिजिट्स की, ये रह गया अकेला। हमें पता चल गया स्टार्ट में हमने 18 को सॉल्व नहीं कराना, 1 अकेला 1 को ही कराना है। जैसे यहाँ पर पता चल गया 20 को कराना है, ये समझ आ गया, इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। हमें पता चल जाए रूल क्या होता है, यहाँ पर लेने का नंबर, यहाँ पर रूल ये होता है जो नंबर यहाँ पर लेना है वही यहाँ पर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 ही लेना है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ, यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी ले रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ तो यहाँ पर भी 2 लेना है, तो 4 आ जाएगा। 4 अभी छोटा है, 20 बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 3 अगर लें तो यहाँ पर भी 3 लेना है, 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, 9 पर भी छोटा है। 4 लेते हैं तो यहाँ पर भी 4, तो 4 4 टाइम्स 16 16 पर भी छोटा। और अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी 5 लेना होगा, तो वो 25 आ जाएगा। 20 छोटा है, अब 25 बड़ा है, तो इसलिए हम 5 नहीं 4 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास 1 अकेला था सॉल्व करना है, तो हमने 1 ही ले लिया। यहाँ पर 1 टाइम फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 लेते तो वो बड़ा आ जाता, इसलिए हमने यहाँ पर क्या 4 ले लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 4 4 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास, 16 आ जाएगा। माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में से 6 माइनस होता नहीं, बोरो ले लिया 10 बन गया, 10 में से 6 को माइनस किया 4 आ गया। यहाँ से बोरो इधर आ गया तो यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 0 लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज रहने दो। सिंपल डिवाइड में ये होता है 1 1 डिजिट उतारते सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये ग्रुपिंग हुई हुई है तो 7 ओनली नीचे नहीं आएगा, 79 जो है वो ग्रुप है तो वो आ जाएगा नीचे। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने ये करना है, इसको इसी में ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। तो 4 में 4 को ऐड करो, क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 8 के साथ ऐसा कौन सा जो है, समझ आए, इसको इसी में ऐड करके ना यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि इसको इसी में ऐड किया, 1 को 1 में तो 2 आ गया, 2 के साथ फिर कोई लेते हैं डिजिट जो यहाँ पर भी लो और मल्टीप्लाई करो, फिर आगे सॉल्व कर लो। जैसे इसको इसी में ऐड किया, ये आगे इसके साथ कोई डिजिट लेते हैं। अब हम 8 के साथ क्या लें, 8 के साथ अगर हम जो है 3 ले लें तो हमें यहाँ पर भी 3 लेना होगा। अगर 5 के साथ ट्राई कर लें तो हमें यहाँ पर भी 5 ही लेना होगा। तो चलें 5 के साथ ट्राई कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास, और हमारे पास आ गया 42। ये 425 सही आ रहा है, क्योंकि अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ पर भी 6 लेना होगा, तो फिर बड़ा आ जाएगा हमारे पास। फिर भी करके देख लेते हैं कि अगर हम 6 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 516 आ रहा है, बढ़ा आ रहा है। इसका मतलब ठीक है 5 ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, और हम यहाँ पर भी 5 ही ले लेते हैं। तो 85 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाता है, 425 आ जाता है। और अब माइनस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करवाओ 4 आ जाता है, 7 में से 2 को माइनस करवाओ 5 आ जाता है। अब 36 जो ग्रुप है उसको पूरे को उतार लो नीचे, और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब हमने वही काम करना नहीं है कि जब जैसे यहाँ पर जो था उसको पूरे को उसमें ऐड करके यहाँ पर लिख दिया था ना, इसको इसी में ऐड किया था। तो 4 में 4 ऐड किया तो 8 आ गया था, 8 के साथ फिर हमने कोई नंबर यहाँ पर डिजिट लिया, जो यहाँ पर भी लिया, फिर मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसमें ऐसे नहीं करना कि 85 को 85 में ऐड करके यहाँ पर लिख देना, 85 का अब जो लास्ट डिजिट है ना, 85 का लास्ट डिजिट कौन सा है, 5 है। तो 85 में जस्ट आपने 5 ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर भी देखो तो हमने क्या किया, इसको इसी में ऐड करवाया, 1 में 1 2 आ गया, 2 के साथ फिर कोई हमने डिजिट ले लिया जो यहाँ पर भी लिया, आगे सॉल्व कर दिया। फिर ये नहीं किया कि 23 में 23 को ऐड कर देना, 23 का जो लास्ट डिजिट है 3 है, तो 23 में जस्ट 3 को ऐड कर देना, 26 आ जाना, फिर 7 कोई डिजिट ले लो। जैसे हम अभी करने लगे हैं कि 85 का लास्ट डिजिट 5 था, 85 में जस्ट 5 ऐड कराओ तो 90 आ जाएगा। 90 के साथ हम कौन सा ऐसा लें डिजिट जो यहाँ पर भी ले मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाए।
तो अगर हम 4 लेते हैं तो हमारे पास आएगा कि 6 लेंगे तो आएगा, तो हम पहले 4 लेके देख लेते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा, यस नहीं आएगा, हमारे पास अभी छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब 9 0 के साथ हम 6 ही ले लेते हैं, तो 9 0 के साथ अगर हम 6 ले लें, यहाँ पर हम करा लेते हैं 9 0 के साथ अगर हम 6 ले लें तो हमें ऊपर भी 6 क्वेश्चन में लेना होगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये सब आ जाएगा 5 4 3 6 आ रहा है कंप्लीट। इसका मतलब ठीक है हम यहाँ पर भी 6 ले लें और यहाँ पर भी 6 ले लें, तो 9 0 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 4 36 आ जाता है, और इसको सॉल्व करवाओ तो 0 आ जाएगा। आंसर आपने कैसे लिख लेना, आंसर इस तरह लिखना है, इसको जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखो 2 0 7 9 3 6 को, और जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि मतलब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया इस नंबर का 2 0 7 9 3 6 का, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 5 6 आ गया। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देती हूँ, एक आप इस नंबर को सॉल्व कर लें 1 8 4 9 6 है आपके पास, और आंसर क्या आना चाहिए इसका 136 आना चाहिए आपके पास 136, और एक ये सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 125। तो अगर तो आपके आंसर सही आ गए तो इसका मतलब है आपको सॉल्व करना आ गया, होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।